हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टिकटॉकर से जुड़ी छोटी से बड़ी सारी अपडेट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट अपडेट आ रही है मंजूल खट्टर की तरफ से। उन्होंने स्टोरी में ये पोस्ट करते हुए लिखा सेल्फ गिफ्ट, जिसमें हो सकता है कि उन्होंने एम्पोरियो अरमानी का वॉच खुद को गिफ्ट किया है। ये काफ़ी एक्सपेंसिव वॉच है और इसके स्टार्टिंग मिनिमम 30,000 से होती है। नेक्स्ट अपडेट है गीमा आसी से रिलेटेड। तो उनका एक सॉन्ग आया था बनके पटोला, उम्मीद करते हैं आपने ये सॉन्ग सुन ली होगी। अगर नहीं सुना तो आपके लिए एक बहुत ही बैड न्यूज आ रही है। तो वो ये सॉन्ग यूट्यूब पे जो अपलोडर के द्वारा, मतलब जो उन्होंने ये सॉन्ग को अपलोड किया था उनके द्वारा ये सॉन्ग को प्राइवेट कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं ये सॉन्ग जल्द ही फिर से पब्लिक कर दिया जाएगा, पर क्या रीज़न रहा इस सॉन्ग को प्राइवेट करने का ये अभी सामने नहीं आया है। नेक्स्ट अपडेट है रियाज अली से रिलेटेड। तो विकास गुप्ता ने ये फोटो को पोस्ट करते हुए ये लिखा, फाउंड समथिंग व्हाट टाइम टू गेट दिस, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट रियाज। तो बहुत जल्द हम और आप रियाज को टीवी स्क्रीन या फिर वेब सीरीज में देखने वाले हैं। नेक्स्ट अपडेट है जन्नत जुबैर और मिस्टर फैसो से रिलेटेड। तो वो है मॉरिशस में और शूट कर रहे हैं अपने न्यू सॉन्ग की। तो उम्मीद करते हैं आपको जल्द ही मिस्टर फैसो और जन्नत का न्यू सॉन्ग देखने को मिलेगा। आज की लास्ट अपडेट है सिद्धार्थ निगम से रिलेटेड। तो उनको मिल चुका है अपने यूट्यूब चैनल के लिए सिल्वर प्ले बटन अवार्ड। और अवेश दरबार ने कंप्लीट कर लिया है 22 मिलियन फॉलोअर्स टिकटॉक पे। वहीं रियाज अली ने कंप्लीट कर लिया है 28 मिलियन फॉलोअर्स टिकटॉक पे। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो इस वीडियो को लाइक करें, ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।